मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा पैसा हो, हमारे पास अच्छे घर का सुख हो और हमारे पास भगवान की कृपा से सारी चीज़ हो, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमारे पास ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अगर हम परिश्रम करेंगे तभी हमारे पास सब सुख सुविधाएँ हो सकती हैं, लेकिन अक्सर कई बार मेहनत करने के बाद भी हमें वो सारी चीजें हासिल नहीं हो पाती जो हमें प्राप्त होनी चाहिए। साथियों, अक्सर कई बार जन्म कुंडली में कोई ग्रह पीड़ा के कारण किसी कारणवश हमें वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती जो हमें मिलनी चाहिए, जिसके हम हकदार होते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि महाशिवरात्रि के दिन आप क्या एक ऐसी चीज भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर चढ़ाएं जिससे आपको सभी सुखों की प्राप्ति हो सकती है, आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है, आपको हर तरह के सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा 11 मार्च 2021 महाशिवरात्रि का दिन, सबसे बड़ा दिन, इस दिन आप एक क्या वस्तु भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएं जिससे आपके मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप आज का यह एपिसोड पूर्ण देख लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर भी जरूर होगी, आपकी भी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र जरूर पूरी होंगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक ऐसी वस्तु बताऊंगा, अगर आप 11 मार्च 2021 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर उस वस्तु को चढ़ाते हैं तो बहुत ही जल्द आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथियों, सबसे पहले अपने कर्म में विश्वास रखो, बिलीव इन कर्मा, यह मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी उपाय, कोई भी टोटका काम नहीं करेगा अगर आप कर्म नहीं करते, अगर आप मेहनत नहीं करते, अगर आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि उपाय हमारे लिए सब कुछ कर देगा तो ऐसा कभी भी नहीं होता। उपाय आपके लिए तब काम करेगा जब आप उसके हकदार होंगे। आप उसके हकदार कैसे होंगे? जब आप मेहनत करेंगे। अगर आप जी तोड़ मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य में सफलता के लिए, हार्ड वर्क करेंगे, तभी उपाय आपके लिए काम करेगा। साथियों, छोटा सा उपाय भी आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा काम कर सकता है, बशर्ते आपकी परिश्रम करने की हैबिट होनी चाहिए, परिश्रम आपके अंदर होना चाहिए। साथियों, अपनी स्किल, अपने गुण के आधार पर ही कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य तरक्की करता है। जब तक आपके अंदर कोई गुण नहीं होगा, कोई स्किल नहीं होगी, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। अगर आप यह सोचेंगे कि मैं YouTube से देख लेता हूं कि पंडित जी ने क्या उपाय बताया है, पैसा प्राप्त करने के लिए मैं उस उपाय को कर लेता हूं और मुझे पैसे की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। हम जो आपके लिए उपाय लेकर के आते हैं, जो टोटके हम आपके लिए लेकर के आते हैं, ये तभी काम करते हैं जब आपके अंदर अपने लक्ष्य के लिए निष्ठा होती है, अपने लक्ष्य के लिए लगन होती है। और ऐसा ही एक दिव्य महा उपाय आज मैं लेकर के आया हूं, महाशिवरात्रि का महा उपाय। साथियों, जैसा आप सभी को पता भी है कि महाशिवरात्रि का दिन हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और सबसे पवित्र प्रमुख दिन कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि जो भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, जो भी उनको अपना गुरु मानते हैं, या भोलेनाथ जिनके कुल देवता हैं, या सभी जो भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि महाशिवरात्रि के दिन आप क्या ऐसा एक उपाय करें जिससे आपके पास भी अपार लक्ष्मी आ सकती है, आपके घर भी पैसा आ सकता है। प्रिय बंधु जनों, उपाय को बताने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि बिलीव इन कर्मा, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि अपने कर्म में विश्वास रखो, आपको हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। तो चलिए, अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के इस उपाय को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योरमोक्षीयमामृतात्। बोलिए
भोलेनाथ भगवान की जय। प्रिय बंधुजनों, फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष को जो चतुर्दशी तिथि आती है उस तिथि को मनाया जाता है भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि का त्यौहार। जी हाँ, हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी व्रत हैं, जितने भी पर्व हैं, उनमें से महाशिवरात्रि को सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। प्रिय बंधुजनों, अगर इस दिन आप छोटा उपाय भी करते हैं तो वह उपाय भी आपको अनंत पुण्यफल देने वाला होता है। आज मैं स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति हेतु आपको उपाय बताने वाला हूं। अगर आप सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको भी जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आप सभी भक्तों को उस महा उपाय के बारे में बताता हूं जो महाशिवरात्रि के दिन आपने करना है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद आपने आग के फूल लेने हैं। जी हाँ, आप कहीं पर जाएं जहां पर आग का पेड़ लगा हो, आग का पेड़ जहां लगा हो वहां से आग के आपने 7 फूल तोड़ने हैं। जी हाँ, 7 फूल आपने आग के तोड़ने हैं और उनको लेकर के आपने आना है। उसके बाद आप शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर आपने ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए आग के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। प्रिय बंधुजनों, साइड में मैं यहां पर आग के फूलों की फोटो भी दिखा रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है तो यहां से आप फोटो देख लीजिए और इन्हें देख करके आप कहीं पर जाकर के आग के फूल लेकर के आ सकते हैं। तो आपने 7 आग के फूल लेकर के आने हैं और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए उन आग के फूलों को चढ़ा देना है। प्रिय बंधुजनों, बहुत ही जल्द भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी, उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन जो भी सच्चे मन से आग के फूल शिवलिंग पर अर्पण करता है उनकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। प्रिय बंधुजनों, आपने भी 11 मार्च 2021 महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करना है। प्रिय बंधुजनों, उपाय को करते समय आपने अपने मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते रहना है, भगवान शंकर जी का ध्यान करते रहना है और इस उपाय को करने के बाद हाथ जोड़ करके आपने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे शंकर देवता, आज महाशिवरात्रि के दिन मैंने आपको आग के फूल अर्पण किए हैं, इस उपाय के करने से मुझे जीवन में कभी भी धन का अभाव ना हो, मेरे घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव ना हो, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। प्रिय बंधुजनों, सच्चे मन से इस उपाय को कर लीजिए, बहुत जल्द आपको इस उपाय के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। प्रिय साथियों, अगर इस उपाय से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। साथियों, अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है ताकि उपयोगी जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित निधि शास्त्री आपसे आज्ञा लेता हूं और अगर आपने अभी तक ज्योतिष मिराकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।